इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आज हम बटर नान बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया हुआ है और एक कटोरी मैंने मैदा ली हुई है और रिफाइंड लिया हुआ है। मैदा और आटे में मिक्स करने के लिए एक कटोरी हमने दही लिया है, छोटी कटोरी, एक चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है और एक चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है। चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। हम बटर नान के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा डालेंगे। यहाँ पर हम गेहूं का आटा डालेंगे, एक कटोरी मैदा डालेंगे बड़ी, मिलाएंगे अच्छे से। हम बेकिंग सोडा डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे एक चम्मच, नमक ऐड करेंगे, दही डालेंगे, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए हमको, ताजी ही दही चाहिए इसमें डालने के लिए। और आप रिफाइंड तेल कुछ भी ले सकते हैं चिकनाई के लिए इसमें। धनिया पत्ती डालेंगे, चलिए अब मिला लेते हैं सभी चीज़ों को हम अच्छे से, कि बहुत ही तवे पे सॉफ्ट बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम होटल की तरह बनती है ये। आप चाहें इसको रख के खाइए या गरम गरम खाइए, ये मुलायम ही रहने वाली है। चलिए अब आटा लगा लेते हैं मिलाकर सब चीज़ अच्छे से, हाथ से मिला लेंगे। अब आटा लगाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। जितनी हमें पानी की क्वांटिटी इसमें चाहिए उतना ही हम पानी डालेंगे इसमें। बटर नान के लिए हमने आटा लगा लिया है। अब हम थोड़ी हाथ पे चिकनाई लेकर रिफाइंड ऑयल लेके इसको सेट करेंगे, चिकना करेंगे आटा को। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। उसके बाद जब हमारा आटा सेट हो जाएगा फिर हम चिकनाई लेके हाथ में फिर इसको आटा को सही करेंगे। देखते हैं, हमारा आटा सेट हो चुका है, 15 मिनट हो चुकी हैं। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल लगाकर, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, इसको चिकना कर लेते हैं हाथ से, अच्छे से चिकना कर लेते हैं हम। देखिए हमारा आटा चिकना हो चुका है बटर नान के लिए। चलिए अब हम बटर नान बनाएं। बटर नान बनाने के लिए यहाँ पर हमने ली है कलौंजी, हरी धनिया और बटर लिया हुआ है। चलिए बटर नान बनाने के लिए हमने यहाँ पर लोई ली हुई है, जो हमने आटा लगाया था, और हमने गैस पर अपना तवा चढ़ा दिया है। चलिए अब बटर नान बेल लेते हैं। लोई पर हम सूखी मैदा लगा लेंगे, बेलेंगे लंबा लंबा। मैं आपको दो तरीके से बटर नान सेकना बताऊंगी, एक तवे पर और एक गैस पर कैसे सेकी जाती है। अब हमने इसको बेल लिया है। अब हम इस पर कलौंजी रखेंगे, धनिया पत्ती, इसको बेल लेंगे फिर से
जिससे धनिया पत्ती और कलौंजी हमारी अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसमें पानी लगाएंगे जिससे तवा पर हमारे अच्छे से ये रोटी चिपक जाए। तवा हमारा गर्म हो चुका है, अब हम तवा पर अपनी बटर नान को डाल देंगे। बटर नान को हमने तवा पर डाल दिया है, गैस हमारी धीमी है और धीमी गैस पर इसको सेकते हैं। देखिए कैसे बबल उठ रहे हैं हमारी बटर नान में, रोटी में। जब ये नीचे सिक जाएगी तो ऊपर का कलर चेंज होने लगेगा। बटर नान हमारी सिक चुकी है एक तरफ से, अब हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। हम तवे को उल्टा करेंगे और अपनी बटर नान सेकेंगे। देखिए धीमी गैस पर सेकेंगे, नहीं तो हमारी बटर नान जल जाएगी। ऐसे चारों तरफ हम सेकेंगे। देखिए चारों तरफ हम घुमा घुमा के तवा को अपनी बटर नान सेक लेंगे। बटर नान हमारी सिक चुकी है, अब हम इसको तवे से उतार लेंगे। देखिए हमारी बटर नान सिककर तैयार है। अब मैं एक तरीके से और बताती हूँ आपको बटर नान बनाने में, तवे पर सेकना कैसे सेकी जाती है। अब हम दूसरी लोई लेंगे और अपनी बटर नान को बेलेंगे जैसे पहले बेल ली थी, इसी तरीके से। रोटी हमारी बिल के तैयार है और आप उसको गोल भी बना सकते हैं, कोई भी आकार दे सकते हैं आप इसको, जैसा भी आपको पसंद हो। इस पर कलौंजी डाल देंगे, हरी धनिया डाल देंगे और जैसे हम इसको बेलेंगे इसे चिपक जाए अच्छे से। अब हम पानी लगाएंगे इस पर, और तवे पे हम डाल देंगे इसको। बटर नान हमारी तवे पे सिक चुकी है, अब हम इसको गैस से उतारेंगे और हम इसे अब गैस पे भी सेक सकते हैं। हम अपने बटर नान को दो तरीके से सेक सकते हैं, एक तवे से और ऐसे एक चिमटे की सहायता से सेक सकते हैं। आप जैसा भी पसंद हो वैसा सेकिए और स्वाद दोनों का एक सा ही रहेगा। बटर नान सिककर तैयार है। चलिए अब सब कर लेते हैं, बटर लगा लेते हैं इस पर। अब हम बटर लगाएंगे, तो हमारी बटर नान बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।